हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एल के केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट की कर रखे आजकल, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में लगभग 7 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप होता है। इसमें हमने लगभग 5 वीडियो अपलोड कर दी है और इसमें कुछ टॉपिक्स छूट रहे थे। अप्रोक्स लास्ट वीडियो रहेगी इस यूनिट की, तो इसमें हम बात करेंगे स्टेबिलिटी के विषय में और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तथा मेटल कार्बोनिल्स के विषय में स्टडी करेंगे हम इसमें। जो स्टूडेंट्स चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए सजेशन है कि चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बेसिकली क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स की एग्जिस्टेंस, कि कोई कॉम्प्लेक्स कितने टाइम तक एग्जिस्ट करता है, उसके एग्जिस्टेंस को डिफाइन करता है स्टेबिलिटी। कि कोई कॉम्प्लेक्स किस कितने टाइम तक एग्जिस्ट करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी के बिहा पर जज किया जाएगा। कि कोई मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है तो उसका एग्जिस्टेंस उतना ही ज़्यादा। कोई कॉम्प्लेक्स जब जनरेट होता है, बेसिकली स्टेबिलिटी 2 टाइप्स की होती है। एक तो कोई कॉम्प्लेक्स, सपोज मैं ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, रिवर्सिबल प्रोसेस, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। एक होगा हमारा जैसे a प्लस बी, ये इक्विलिब्रियम पहुंचने वाला होगा। a प्लस बी जैसे कंबाइन करके इक्विलिब्रियम अचीव कर रहे होंगे तो उस टाइप की स्टेट को बोल देंगे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, और जैसे इक्विलिब्रियम के बाद की जो स्टेट आएगी उसको बोलेंगे काइनेटिक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और एक काइनेटिक स्टेबिलिटी। बिफोर इक्विलिब्रियम जो स्टेबिलिटी होगी वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है, और उसके बाद जैसे इक्विलिब्रियम अचीव कर लगा कोई सिस्टम तो उसके बाद की जो स्टेबिलिटी उसको बोलते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी। अब कोई कॉम्प्लेक्स, सपोज हम बात करें एम प्लस एल, एम कोई लाइगेंस ले लिया और लाइगेंस हमने एम मेटल है, एल लाइगेंस है, लाइगेंस 4 है, तो ये बन गया हमारा ML4 कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ML4 जो कॉम्प्लेक्स होगा तो इसकी जो फॉर्मेशन होगी ML4 की डिपेंड करेगी हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू के बिहा पर इसकी फॉर्मेशन जज की जाएगी। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ग्रेटर, द अमाउंट ऑफ ML4 विल बी ग्रेटर। अगर ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा के, इसकी वैल्यू जितनी लार्ज होगी उसी के रेशियो में ML4 के फॉर्मेशन होगा। ओके, ML4 जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो डिपेंड कर रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। अब हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, और एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 टाइप के होते हैं, एक तो हमारा होता है स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन कांस्टेंट, एक ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। उनको 1 by 1 स्टडी करते हैं और उनके बीच रिलेशनशिप प्रूव करते हैं। हमने बात करते हैं स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। सपोज ये हमने कोई मेटल ले लिया M, ये कोई लाइगेंट था M, और ये मेटल के साथ कंबाइन करके बना रहा है ML कॉम्प्लेक्स बना रहा है। कोई क्या बना रहा है ML कॉम्प्लेक्स, और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K1 है। क्या है? K1, और K1 की जो वैल्यू हो, K1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ML अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M इनटू कंसंट्रेशन ऑफ L। क्लियर? सिमिलरली अब ये स्टेप वाइज हो रहा है। अब हमने ले लिया ML, ML कॉम्प्लेक्स में कोई अनदर लाइगेंस ऐड कर दिया, यही कॉम्प्लेक्स ले लिया ML प्लस L। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा हमारा? K2। कॉम्प्लेक्स क्या बन गया? ML2। और K2 की वैल्यू कैसे होगी? K2 इज इक्वल टू होगा ML2 कंसंट्रेशन अपॉन ML कंसंट्रेशन इनटू L कंसंट्रेशन। क्लियर? ऐसे ही हम इसको आगे तक फर्दर बढ़ा सकते हैं ऐसे। तो उस केस में क्या होगा हमारा? ML(n-1) प्लस L, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? KN। क्या हो जाएगा? MLN, और KN की वैल्यू कैसे निकली? KN इज इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ML कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ML माइनस N।
एम एल एन माइनस वन कंसंट्रेशन इंटू एल कंसंट्रेशन, ये हमारा होगा स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। यानी इसमें क्या होगा, जो लाइगेंड्स स्टेप बाय स्टेप किसी कॉम्प्लेक्स में ऐड होते जा रहे हैं और कॉम्प्लेक्स जनरेट कर रहा, तो इन सब की जो स्टेबिलिटी होगी वो डिपेंड कर रही इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये जितनी ज़्यादा होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्मेशन, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा दे रहे ना, के वन इज इक्वल टू एम एल अपॉन एम इंटू एल, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जितनी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उतना ही ये ज़्यादा फॉर्मेशन होगी। अब हम बात करते हैं ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, ओके। ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट में हमने ले लिया कोई मेटल एम है ये और कोई लाइगेंड एल है, स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, कोई मेटल एम है और कोई लाइगेंड एल है, ये कंबाइन करके एम एल कॉम्प्लेक्स दे रहा है। इसका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है बीटा वन है, तो बीटा वन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट, बीटा वन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एम एल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एल, क्लियर। अब हम इसको ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट ले रहे, इसमें फिर मेटल को लेंगे, मेटल प्लस 2L, यहाँ फॉर्मेशन कांस्टेंट की क्या होगा बीटा 2, यहाँ जनरेट होगा कॉम्प्लेक्स क्या एम एल 2, और बीटा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एम एल 2 कंसंट्रेशन अपॉन एम एल एम कंसंट्रेशन इंटू एल पावर 2 कंसंट्रेशन, एल पावर 2 कंसंट्रेशन, एल 2 है ना यहाँ पर, इस ऐसे ही हम इसका जनरल ले लेंगे जैसे जनरल हम ऊपर कैलकुलेट कर रहे थे जनरल, तो ये क्या होगा हमारा एम ही रहेगा, ये एम प्लस ये एन एल हो जाएगा, एन एल इक्विलिब्रियम कौन सा, ये बीटा एन हो जाएगा, ये क्या होगा एम एल एन, और बीटा एन इजकल टू हो जाएगा हमारा एम एल एन कंसंट्रेशन अपॉन अपॉन एम कंसंट्रेशन इंटू एल पावर एन कंसंट्रेशन, एल पावर एन, एल की पावर एन कंसंट्रेशन, ये हमारा बीटा एन जनरेट हो गया। अब इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रिलेशन से बिटवीन द स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट के बीच क्या रिलेशन है। अब हम रिलेशन को ड्राइव करेंगे, मैं थोड़ा यहाँ सरफ कर देता हूँ, हम ले लेते हैं बीटा थ्री इजकल टू, बीटा थ्री इजकल टू यहीं से निकाल लेंगे बीटा थ्री, बीटा थ्री में क्या हो जाएगा बीटा थ्री इजकल टू होगा एम एल थ्री, एम एल थ्री कंसंट्रेशन अपॉन, जैसे ये टू है ना तो यहां पर एम कंसंट्रेशन इंटू एल पावर थ्री हो जाएगा, एल पावर थ्री हो जाएगा, क्लियर। इसी के अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एम एल एंड एम एल टू, इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया एम एल एंड एम एल टू, क्लियर। कोई फर्क नहीं, इससे ये पूरा कट जाएगा, केवल हमने सिंपल एक वैल्यू सॉल्व करने के लिए इसको हमने इस तरह से ट्रीट किया। तो फिर क्या होगा, बीटा थ्री इजकल टू आएगा, इसको हमने एडजस्ट करके लिया, पहले लिख दिया एम एल, एम एल कंसंट्रेशन अपॉन यहाँ से ले लिया एम, एम कंसंट्रेशन और इसकी एल की पावर थ्री ना, इसमें से एक एल ले लिया एल इंटू, अब हमने लिया एम एल टू, एम एल टू कंसंट्रेशन अपॉन हमने ले लिया फिर एम एल, एम एल कंसंट्रेशन एल की पावर थ्री, एक पावर यहाँ ले लिया एल कंसंट्रेशन इंटू, अब ले लिया एम एल थ्री, एम एल थ्री कंसंट्रेशन अपॉन अब ले लिया एम एल टू, एम एल टू कंसंट्रेशन एंड ये एल तीन थे ना यहाँ पर, एक एल यहाँ जगह एल थ्री, क्लियर बात। तो आप देख ही रहे तो बीटा थ्री इजकल टू आ रहा है, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, के वन इजकल टू एम एल कंसंट्रेशन अपॉन एम इंटू एल, दिस इजकल टू क्या के वन, ये के टू और ये के थ्री, तो इनके बीच रिलेशन क्या आ रहा, बीटा थ्री इजकल टू आ रहा के वन के टू के थ्री, ओके। और इसी को अगर हम जनरलाइज करेंगे, इसी को फॉर्मूले को अगर जनरलाइज फॉर्म हम लिखें, तो जनरलाइज फॉर्मेशन में इस तरह से लिख देंगे हम इसको,
बीटा एन इज इक्वल टू पाई के एन पाई में ये मल्टीप्लाई में होगा, बीटा एन इज इक्वल टू पाई इंटू के एन। ये एक इसका एक जनरल डेरिवेशन बनता है जो एग्जाम्स में कई बार पूछेगा कि इनके बीच रिलेशनशिप क्या है, इसको जरा ध्यान से नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम ऑर्गोनोमेटलिक कंपाउंड्स। ऑर्गोनोमेटलिक कंपाउंड्स को कैसे डिफाइन करेंगे? ऑर्गोनोमेटलिक कंपाउंड जहाँ पर मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा, जहाँ पर मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं हम ऑर्गोनोमेटलिक कंपाउंड्स। जनरल डेफिनेशन क्या है? मेटल बॉन्ड्स करेगा किसके साथ? कार्बन के साथ। इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्गोनोमेटलिक कंपाउंड्स। जैसे एग्जाम्पल बन सकते हैं हमारे निकिल का NiCO4 या FeCO5। यहाँ जो मेटल है ये इसका बॉन्डिंग किसके साथ है? कार्बन के साथ। इस मेटल का बॉन्डिंग किसके साथ है? कार्बन के साथ। इसलिए इनको बोलते हैं ऑर्गोनोमेटलिक कंपाउंड्स। अब जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। वन इज सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गोनोमेटलिक कंपाउंड, सेकेंड इज पाई बॉन्डेड ऑर्गोनोमेटलिक कंपाउंड्स। एक होता है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गोनोमेटलिक कंपाउंड्स और एक होता है दूसरा पाई बॉन्डेड ऑर्गोनोमेटलिक कंपाउंड्स। अब सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गोनोमेटलिक कंपाउंड्स बेसिकली मेन ग्रुप्स में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? ये मेन ग्रुप्स एस और एस एंड पी ब्लॉक, एस एंड पी। और जो पाई बॉन्डेड ऑर्गोनोमेटलिक कंपाउंड पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं ट्रांजिशन मेटल में। किसमें पाए जाते हैं? ट्रांजिशन मेटल मीन्स डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक। क्लियर बात? तो जो हमारे ऑर्गोनोमेटलिक कंपाउंड्स हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गोनोमेटलिक ये मेन ग्रुप में पाए जाते हैं जिसमें एस एंड पी ब्लॉक होते हैं, और जो पाई बॉन्डेड ऑर्गोनोमेटलिक कंपाउंड्स होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स में पाए जाते हैं जहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसके जो एग्जाम्पल होते हैं हमारे सिग्मा बॉन्डेड इसका ग्रिगनार्ड रिएजेंट इसका एग्जाम्पल है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMGX, ये इसका एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा इसका अनदर एग्जाम्पल आर्सेनिक, और एक एग्जाम्पल CH3 4SI। ये सब एग्जाम्पल है हमारे सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गोनोमेटलिक कंपाउंड्स के। अब एक दो बात करते हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गोनोमेटलिक कंपाउंड्स के। पाई बॉन्डेड इसमें फेरोसेंस आते हैं, फेरोसेंस जैसे ये है हमारा इसको बोलते हैं हम फेरोसेंस, फेरिसिन FERR फेरोसिन CENE फेरिसिन। ठीक, इसका जो फॉर्मूला बनता है FE ईटा फाइव सी फाइव एच फाइव। ये बनता है, ये जो ईटा फाइव है ईटा फाइव इसकी हैप्टिसिटी को डिफाइन करता है। जो आप हायर एजुकेशन में स्टडी करेंगे जहाँ पर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं वहाँ पर हैप्टिसिटी को डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर केवल ये हमारे कोर्स में केवल ये है कि इसके एग्जाम्पल सही। अनदर एग्जाम्पल क्रोमियम का ले लेते हैं हम, ये बेंजीन मॉलिक्यूल हमारा ऐसे क्रोमियम इसमें कनेक्टेड है, डाइबेंजीन क्रोमियम बोलते हैं इसको, डाइबेंजीन क्रोमियम। इसका जो फॉर्मूला बनेगा CR ईटा सिक्स सी सिक्स एच फाइव।
तो ये हमारे एग्जाम्पल बनते हैं किसके, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की, ये ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर पाए जाते हैं। अब हमारे इस चैप्टर में एक टॉपिक और रहता है मेटल कार्बोनिल्स, मेटल कार्बोनिल्स यदि कोई बात समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके उसको बार बार देखना, और एक वीडियो को दो तीन बार देखेंगे तो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, और जब वीडियो देखते हैं तो साथ ही नोटबुक और पेन लेकर बैठना, उसको वीडियो को नोट करते जाना, बीच बीच में जो चीज़ कहीं समझ में उसको पॉज करना, और इस तरीके से आप स्टडी करेंगे तो आसानी से केमिस्ट्री समझ में आने लगेगी, और यदि कोई बात कहीं पर समझ में नहीं आई उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। तो बात करते हैं मेटल कार्बोनिल्स की। मेटल कार्बोनिल्स आर द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स विच कार्बोनिल्स एक्ट एज ए लाइगेंड्स, कार्बोनिल्स एक्ट एज ए लाइगेंड्स, मतलब मेटल कार्बोनिल्स अपने आप में एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होता है। कंडीशन ये है कि इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है CO, इट कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट्स एज लाइगेंड्स, ये है मेटल कार्बोनिल्स। एग्जाम्पल यही हमारे NiCO4, यहां पर लाइगेंड्स की तरह एक्ट करता है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, Ni ये CO, एक CO ये है हमारा, एक CO ये, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है हमारी। ये जो CO अबोधी प्लेन है, ये बिलोधी प्लेन है, और ये CO और ये CO इन प्लेन है, तो ये हमारा मेटल कार्बोनिल्स है। अन्य एग्जांपल Fe CO5, तो इसमें जो Fe होगा हमारा किस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा, ये CO, एक CO तो ये हमारा, एक CO ये, एक CO यहाँ पर, एक CO यहाँ पर, तो इसमें जो ज्योमेट्री होती है DSP3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल TBP, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होती है, तो ये हमारा मेटल कार्बोनिल्स होता है। और अन्य एग्जांपल हमारा ऑक्टेडल का बन सकता है, ऑक्टेडल का एग्जांपल हम ले लेते हैं CrCO6, इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगी हमारा, ये CR, ये 6, ये कॉर्नर पर, फोर तो कॉर्नर पर, एक ये अबोधी प्लेन ऐसे हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, एक ये बिलोधी प्लेन हो जाएगा, D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ऑक्टेडल ज्योमेट्री हो जाएगी, तो ये हमारे मेटल कार्बोनिल्स होते हैं। इनकी जो ये हाइब्रिडाइजेशन या इनकी ज्योमेट्री है, ये हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बिहार पर आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो हम ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इनकी बॉन्डिंग्स, इनकी बॉन्डिंग्स कैसे बनती है, इनको जरा नोट कर लेना। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, बॉन्डिंग कैसे बनती है, ये हमारा मेटल है, क्लियर, ये हमारा कार्बन है, तो जो मेटल के लूप्स है, ये ऐसे मेटल के, एक ये लूप्स ये रहा, एक मेटल का लूप्स ये रहा, एक मेटल का लूप्स ये है हमारा, एक मेटल का लूप्स ये हमारा, और एक मेटल का लूप्स ये हमारा, एक मेटल का लूप ये, इसी प्रकार कार्बन का जो पी ऑर्बिटल है उसका एक लूप्स ये ऐसे इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक ये लूप्स ये है, एक लूप्स ये है, ये इसके साथ क्या होगा पाई बॉन्ड बनाएगा, एक लूप्स ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये इनके बीच कौन सा बॉन्ड बनाए ये सिग्मा बॉन्ड जनरेट करेगा, और एक ये हमारा ये डबली बॉन्ड ये ऑक्सीजन के साथ है, और ये ऑक्सीजन के बाकी लूप्स किसके, ये ऑक्सीजन के लूप्स हमारे। तो स्ट्रक्चर कैसे बनती है, मेटल और कार्बन के बीच में एक तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये हमारा कौन सा बॉन्ड बन गया सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, और ये हमारा दो कौन से बन जाते हैं हमारे ये पाई बॉन्ड बनते हैं, और ये यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ इस तरह से बॉन्डेड है, ऑक्सीजन साइड इस टाइप से बॉन्डेड है, तो मेटल की ये बॉन्डिंग है, इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर ये जो पाई बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो सकता है, इस टाइप से कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो सकता है, क्योंकि कार्बन और मेटल के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी जनरेट होते हैं, तो इस टाइप से इनकी बॉन्डिंग हम
बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो में कोई बात समझ में नहीं हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट्स पढ़कर मैं आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे सकता हूँ। थैंक यू।